बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, रासगो न्यूज़ से मैं हूँ आपका होस्ट अहसन चीमा। तहरीक इंसाफ के मुकामी रहनुमाओं रिजवान असलम भट्ट और जमाल नासर चीमा की चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जानिब से पार्टी टिकट कन्फर्म होने की खबरें ना सिर्फ मुकामी और सोशल मीडिया पर ट्रेंड के तौर पर गर्दिश कर रही हैं बल्कि कई अखबारात में मुबैना तौर पर शह सुर्खियाँ बनाई या बनवाई गई हैं। इस खबर में कितनी सदाकत है या फिर वही मज़मून मकासद के हसूल के लिए रवायती हरबों का इस्तेमाल हो रहा है। इस पर आने से कबल नाज़रीन से कुछ हकायक और सवालात शेयर करना चाहता हूँ। बिलाशुबा पंजाब में साबक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का तकरीबन 3 साल 7 माह दौरे हुकूमत शदीद मुखालफत का शिकार रहा, इसके बावजूद सूबे में तरक्की का पहिया तरीक साज रफ्तार के साथ घूमा। बुज़दार के दौरे हुकूमत में तलीम और सेहत के शोबों में होने वाले कामों का तस्करा करें तो पंजाब के छोटे बड़े अहम और सानवी अहमियत के हामिल इजलाम में 21 नई यूनिवर्सिटियों का संग बुनियाद रखा गया और 15,000 स्कूलों की अपग्रेडेशन की गई। 14 नए और मजीद 15 जदीद तरीन यानी टोटल 29 नए अस्पताल तमीर किए गए। इलावा अजी बड़े शहरों में मदर एंड चिल्ड्रन केयर अस्पताल भी तमीर किए गए, जबकि शहर और शहरियों की खिदमत, वोट और वोटरों की जहन साजी, पार्टी और पार्टी डिसिप्लिन को तरजीहात देने के बजाय एक दूसरे की टांगे खींचने और अपनी उजारादारी के तसल्लुत और जाती मफादात के हिरसी होने जैसी कई मनफी पहलुओं की बदौलत शोहरत पाने वाले तहरीक इंसाफ गुजरांवाला के तंजीमी ओहदों, टिकट होल्डरों और जिम्मेदारों ने अवाम की फलाह की बजाय गंदी सियासत का खेल रचा कर गुजरांवाला के शहरियों के हकूक पर शब खून मारा। इसी सूरत हाल में चंद स्कूलों की अपग्रेडेशन के अलावा तलीम और सेहत के शोबों में इनकी काली करतूतों की वजह किसी किस्म की डेवलपमेंट के ना होने को चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान फरामोश करके पार्टी टिकट इन्हीं को जारी करके पीटीआई गुजरांवाला के तबूत में आखिरी किल अपने हाथों से ठोकना पसंद करेंगे। नाजरीन, क्या आपको मालूम है बुज़दार दौरे हुकूमत में सियालकोट समेत पंजाब भर में 3 इंडस्ट्रियल जोन्स की तमीर और 26 नई सीमेंट फैक्ट्रियों को एनओसी जारी किए गए और गुजरांवाला के शहरों के हिस्से में क्या आया? बेरोजगारी, गुर्बत और माशी बदहाली। सितम ज़रीफ़ी ये कि शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में बनने वाले इंडस्ट्रियल स्टेट 3 की बहती गंगा में दीगर खवास के अलावा मुबैना तौर पर तंजीमी अहदेदारों, जिम्मेदारों और टिकट होल्डरों में से कईयों ने अपने अपने हाथ धोए। गुजरांवाला के शहरियों के साथ मातम करने को जी जाता है, भला क्यों? 1965 के बाद बुज़दार हुकूमत ने पहली मरतबा 2 बड़ी नहरों और 9 डैमों की तमीर पर काम शुरू किया। जो कहते हैं या कहलवाते हैं कि इमरान खान ने हमें टिकट देने की कमिटमेंट कर ली है, जरा सामने तो आए और बताएं कि जब नहरों और डैमों की तमीर बारे बातें हो रही थी तो जनाब कहाँ थे? अगर तुम वाकई टिकट के हकदार हो तो जवाब दो कि किन वजूहात की बिना पर पंजाब के जड़ी तरीन जिला गुजरांवाला को नहरी पानी से महरूम रखा गया। तहरीक इंसाफ गुजरांवाला के वारसों, क्या इस बात की तरदीद कर सकते हो कि 128 साल मुद्दत के बाद जब बुज़दार हुकूमत ने 5.5 अरब रुपए का जेल रिफॉर्म पैकेज दिया, इस दौरान तुम मुबैना तौर पर अपनी सियासी दुकानदारी चमकाने के लिए सेंट्रल जेल गुजरांवाला में कैद जराइम पेशा अफराद से चुपके चुपके मुलाकातें जारी रखने की खातिर सुपरिटेंडेंट जेल और दीगर अफसरान से तलुकात बनाने तक महदूद थे? गुजरांवाला के गयूर शहरियों, तुम ही हो ना जो लाखों करोड़ों अरबों मालियत की जमीनों के मालिक होने के बावजूद हाथ बांधे और लाइन में खड़े कभी पटवारियों तो कभी अराजी रिकॉर्ड सहूलत सेंटर के क्लर्कों के तल्ले करते हो। शायद आपको मालूम नहीं कि बुज़दार हुकूमत ने अपने दौर में 152 अराजी रिकॉर्ड सहूलत सेंटर की तादाद बढ़ाकर 1092 कर दी, जिसकी बदौलत कई इजला में शहरियों को चंद मिनटों में दर्जनों फरदाद जारी कर दी जाती हैं। हुकूमत पंजाब की इस डेवलपमेंट से तहरीक इंसाफ की मुकामी क़यादत ने फरामोशी करके तुम्हारे साथ जुल्म किया। अगर इनकी तरजीहात तमाम शहरी होते तो गुजरांवाला में अराजी रिकॉर्ड सहूलत सेंटरों की तादाद में आने वाले 50 सालों को मद्देनजर रखकर इजाफा करवाया जाता। गुजरांवाला के शहरियों सुनो, पंजाब के तमाम इजला में मुनसफाना तकसीम और यकसा तरक्की के नाम पर 645 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज दिया गया। गुजरांवाला के शहरों के हिस्से में क्या आया? मेरे शहरियों,
इस जुर्म का फैसला ना सुनाया तो तैयार रहना, सियासत के नाम पर मजीद बेवकूफ बनना ही पड़ेगा। मजीद अपडेट के लिए हमारे साथ रहें। दोबारा मुलाकात होगी इसी वीडियो के दूसरे पार्ट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।